आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो लेक्चर बैक पैचिंग कॉन्सेप्ट को एंड बुलियन एक्सप्रेशन के कॉन्सेप्ट को कवर करेगा। जैसा कि अभी हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स जो हैं या असाइनमेंट स्टेटमेंट किस तरह से काम करते हैं। थ्री एड्रेस कोड का ये सीक्वेंस चल रहा है, तो थ्री एड्रेस कोड में उसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि थ्री एड्रेस कोड जो है वो इंटरमीडिएट कोड रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, और थ्री एड्रेस कोड को फर्दर कैटेगराइज कर दिया गया था या उसको उसके जो टाइप्स थे, इसमें हमने देखा था क्वाड्रिपल थ्री एड्रेस रिप्रेजेंटेशन, दूसरा हमने देखा था इनडायरेक्ट ट्रिपल रिप्रेजेंटेशन, और एक हमने देखा था ट्रिपल रिप्रेजेंटेशन। तीनों का हमने एक एग्जाम्पल्स भी सॉल्व किया था। अब हम जो बैक पैचिंग का कॉन्सेप्ट है, यानी अगर हमको कोई कोड दे दिया जाए, यानी जो सी प्रोग्रामिंग है या C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो अगर हमको उसका कोई कोड दे दिया जाए तो उसके लिए थ्री एड्रेस कोड कैसे लिखता है, कैसे लिखा जाएगा, और उसी थ्री एड्रेस कोड में जो हम लिखेंगे उसमें एक कॉन्सेप्ट है जिसको बैक पैचिंग का कॉन्सेप्ट कहते हैं, वो कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। अभी जो हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर्स में देखा था कि हम एक्सप्रेशंस के लिए थ्री एड्रेस कोड किस तरह से लिख पाते थे, तो यानी इस वीडियो लेक्चर में हम बैक पैचिंग का कॉन्सेप्ट समझेंगे, बुलियन एक्सप्रेशन का कॉन्सेप्ट समझेंगे, और किसी हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को थ्री एड्रेस कोड में कैसे लिखा जाता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो लेक्चर। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि बैक पैचिंग जो है वो क्या है। तो गाइस, बैक पैचिंग जो है वो एक कॉन्सेप्ट है जो यूज किया जाता है किसी लाइन ऑफ कोड को, लाइन ऑफ कोड यानी जो हाई लेवल लैंग्वेज में कोड लिखा गया है, उस लाइन ऑफ कोड के फ्लो को, यानी उसका जो थ्री एड्रेस कोड बनेगा उसके फ्लो को सीक्वेंस, करेक्ट सीक्वेंस ऑर्डर देने के लिए। ओके, सो बैक पैचिंग इज द कॉन्सेप्ट दैट इज यूज्ड फॉर टू मेंटेन द करेक्ट फ्लो ऑफ कोड, करेक्ट फ्लो ऑफ कोड फॉर मेंटेनिंग द करेक्ट सीक्वेंसिंग ऑफ कोड, कि पहले कौन सी लाइन आपकी कोड एग्जीक्यूट होगा और दूसरा कौन सा लाइन आपका कोड एग्जीक्यूट होगा। जैसे कि हमने अपने पुराने वीडियो लेक्चर्स में देखा था कि इंटरमीडिएट कोड जो होते हैं वह सीक्वेंस ऑफ कोड को रिप्रेजेंट करने के काम में आते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम बैक पैचिंग का कॉन्सेप्ट एक एग्जाम्पल की मदद से। एक हमारे पास अगर हम एक कोड लिखते हैं, एक हमारे पास अगर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड है, तो एक हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग का कोड है, इफ अगर ए का वैल्यू लेस देन होता है बी से, देन एक हाई लेवल लैंग्वेज का कोड लिख रहे हैं, देन टी बराबर जो है वो वन होगा अगर ये कंडीशन फेल होती है, तो एल्स पार्ट कौन सा होगा, टी बराबर जो है वो जीरो है। तो ये हमारे पास एक कोड है। अब इस कोड को हमको क्या करना है, इस कोड के लिए हमको थ्री एड्रेस कोड बनाना है। तो अब इस थ्री एड्रेस कोड को कैसे बनाएंगे और उस थ्री एड्रेस कोड में बैक पैचिंग का कॉन्सेप्ट कहाँ अप्लाई होता है और बुलियन एक्सप्रेशन का कॉन्सेप्ट कहाँ अप्लाई होता है वो समझने की हम कोशिश करते हैं। तो पहले तो हम ये कोड समझ लेते हैं। इफ यदि ए की वैल्यू लेस देन छोटी होती है बी से, तब क्या करना है, तब टी बराबर वन करना है, और अगर ये कंडीशन फेल होती है यानी एल्स पार्ट, तब क्या करना है, तब आपको टी बराबर जीरो करना है। तो पहले हम इसका थ्री एड्रेस कोड बना लेते हैं। तो यहाँ पर जब थ्री एड्रेस कोड बनेगा तो पहले जो आपको दिया है, पहले आप वही कंडीशन लिख दीजिए, इफ ए इज लेस देन बी, और यहाँ पर हम एक ऑपरेटर यूज करेंगे जिसका नाम है गो टू ऑपरेटर। इस लाइन ऑफ सीक्वेंस का एग्जीक्यूट होने के पास हमारे पास दो आउटपुट आएंगे। पहला आउटपुट आएगा अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तब कौन सी लाइन का सीक्वेंस फ्लो होगा या एग्जीक्यूट होगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तब कौन सी लाइन का सीक्वेंस एग्जीक्यूट होगा या तब कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होगी। यही कॉन्सेप्ट जो है ये बैक पैचिंग बताता है, क्लियर, कि आपका जो कोड है वो किस तरह से सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस कॉल होगा और कोड जो है वो किस तरह से सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस एग्जीक्यूट होगा। फॉर दिस पर्पस हम जो यूज करते हैं वो करते हैं गो टू कंडीशन। तो मान के चलिए कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, ट्रू अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, तो इसके तुरंत बाद
क्या प्रिंट हो जाएगा, एल्स पार्ट। इफ ये कंडीशन फॉल्स हुई, इफ ए इज नॉट लेस देन बी, तो ये क्या होगा, टी बराबर जीरो को प्रिंट करेगा। इसके तुरंत बाद ये जो है इसके तुरंत बाद ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी यहाँ पर एल्स पार्ट पहले होगा। क्लियर। अब बात आती है कि अगर इफ ये कंडीशन ट्रू होती है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमको कहाँ जाना है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमें अगले लाइन ऑफ सीक्वेंस कोड पर जाना है। अच्छा, पहले तो ये इसको हम कंप्लीट कर लें। यहाँ पर एक गो टू ऑपरेटर चलेगा जो हमको बताएगा कि इसके बाद क्या करना है। ये तो हो जाएगा टी बराबर जीरो, फिर क्या करना है, तो फिर एक हमने गो टू ऑपरेटर लिख दिया। अब यहाँ पर हम लिखते हैं ये कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो आपका क्या वैल्यू होगा, टी बराबर वन। तो अब हम कौन से सीक्वेंस पर आए, फोर पर। इफ ए इज लेस देन बी, गो टू फोर, अगर ट्रू हुआ तो फोर पर जाए। ये जो कॉन्सेप्ट है गाइस, जो सीक्वेंस बता रहा है, इस कॉन्सेप्ट को बैक पैचिंग कहते हैं। क्लियर। पहले देख लेते हैं, फिर से समझ लेते हैं। इफ कंडीशन या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, दिस कंडीशन विल बी ट्रू या फॉल्स। अगर फॉल्स हुआ तो कौन सा लाइन ऑफ कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा या सीक्वेंस क्या मेंटेन होगा। अगर ट्रू हुआ तो कौन सा लाइन नंबर का कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा या सीक्वेंस जो है वो मेंटेन होगा। ये कॉन्सेप्ट बताने के लिए जो प्रोसेस हम यूज करते हैं वो प्रोसेस कहलाती है आपकी बैक पैचिंग कॉन्सेप्ट। क्लियर। ये जो क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका बैक पैचिंग। क्लियर। बैक पैचिंग जो है वो क्या बताता है, ये सीक्वेंस बताता है फ्लो ऑफ कोड का, सीक्वेंस ऑफ फ्लो ऑफ कोड। इसको समझते हैं। इफ ए इज लेस देन बी, पहले एल्स पार्ट को लिख दिया, टी बराबर जीरो, एल्स पार्ट के बाद गो टू, यहाँ पर एक और स्टेटमेंट लिख लेते हैं, फाइव, और यहाँ पर हम लिख देते हैं एक्सिट। ये कंडीशन होगी और आप लूप से इस कंडीशन से बाहर आ जाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। इफ ए इज लेस देन बी ट्रू होती है तो आपको क्या करना है, टी बराबर वन प्रिंट करना है। टी बराबर वन हो जाएगा, प्रिंट नहीं, यानी टी बराबर वन होगा। कहाँ सीक्वेंस पर जाना है, हमको फोर नंबर के सीक्वेंस पे जाना है। फोर नंबर के सीक्वेंस पे जाके हमको इस तरह से काम करना है। यहाँ पर हमने बुलियन एक्सप्रेशन का कॉन्सेप्ट भी समझा, ट्रू और फॉल्स, यानी वैल्यू जो है वो जीरो और वन की, कब वन होगी कब फॉल्स होगी, और हमने बैक पैचिंग का भी कॉन्सेप्ट देखा। तो ओवरऑल जो कंक्लूजन है बैक पैचिंग कॉन्सेप्ट का वो ये है कि बैक पैचिंग इज द कॉन्सेप्ट दैट इज यूज फॉर थ्री एड्रेस कोड टू प्रोवाइड द प्रॉपर फ्लो सीक्वेंस ऑफ हाई लेवल कोड। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। इसी कोड को अगर हम थोड़ा सा और चेंज करें, यानी सीक्वेंस क्या हो सकता है, पहले मैंने यहाँ पर क्या लिखा कि अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो यहाँ पर चले जाएंगे, डायरेक्टली बराबर एल्स पार्ट हो जाएगा। अब इसका दूसरा पार्ट देख लेते हैं कि इफ ए इज लेस देन बी गो टू, अब ये कंडीशन हम मान के चल रहे हैं ट्रू हो गया तो टी बराबर वन, थ्री गो टू फोर लिख देते हैं। अब ये कंडीशन फॉल्स होगा तो टी बराबर जीरो, यहाँ फोर आ जाएगा और फाइव पर हम इससे एग्जिट हो जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। क्लियर गाइस। तो ये जो हाई लेवल लैंग्वेज के लिए जो हमने थ्री एड्रेस कोड लिखा उसी में बैक पैचिंग का कॉन्सेप्ट भी हमने यूज किया। तो गाइस, आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको समझ में आया होगा कि बैक पैचिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है। इसी सीक्वेंस के लिए बैक पैचिंग को हम, यहाँ पे हो गया था फोर, यहाँ पर लिख देते हैं फाइव, किस तरह से हम बैक पैचिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो यूज करते हैं, और किसी लाइन ऑफ कोड के लिए बैक पैचिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है, किसी हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को बैक पैचिंग के कॉन्सेप्ट से कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो गाइज, आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। We will meet again in the new video lecture. Take care. Bye-bye.